मुकदम अजादिया बगैर हरकस हर कसम इस्लाम की कसम रहमत आलमी यहाँ पर ये अपने आप को रहमत आलमी क्या है तो इस पर भी कुफर का मतलब है हमारे बुजुर्ग क्या किसी और का मतलब कह सकते हैं काफिर वो अपने आप को कह रहे हैं काफिर नहीं लेकिन ये इस पर कभी कुफर का मतलब नहीं लगाएंगे वजह उसकी ये है कि दीन की वजह है और इनके लिए अलग अलग तराजू में तोलेंगे एक के लिए एक मतलब रखा हुआ है और दूसरे के लिए दूसरा मतलब रखा हुआ है उसकी वजह से यही है कि लोग उसे पैसे बटोरने का मिले रास्ता निकालते हैं एक और हवाला इसके बाद पेश किया कि खातमुन नबीयीन का आखिरी माना माना आखिरी नबी समझना ये अवाम का ख्याल है तहजीब-उन-नास का हवाला दिया मैं चैलेंज करता हूँ तहजीब-उन-नास के किसी सफे से ये इबारत पेश कर दे जिसमें ये लिखा हो कि खातमुन नबीयीन का आखिरी माना समझना अवाम का ख्याल है ये बात नहीं है कहते हैं अहलेफहम इल्म वालों के नजदीक ये माना दुरुस्त नहीं ये इबारत ये क्यामत की सुबह तक हमारी किताबों से नहीं दिखा सकते और जब बात क्या है बात ये कि तहजीब-उन-नास के दरबार में कासिम नौकी साहब रहमतुल्लाह ने ये लिखा है कि ये जो लोग खातमुन नबीयीन का ये माना बनाते हैं कि आप आखिरी नबी हैं आपने फरमाया ये आम लोगों का ख्याल किस अंदाज में यानी जो लोग ये कहते हैं कि खातमुन नबीयीन का सिर्फ यही माना है कि आप आखिरी नबी हैं ये उन लोगों का ख्याल है जो गहरी मालूम नहीं रखते गहरी मालूम नहीं रखते पीर साहब ने बयान में कहा कि देखो जी इनके बड़े कह रहे हैं ये अवाम का ख्याल है बेवकूफों का ख्याल है हालांकि बेवकूफ हमारे बुजुर्ग ने नहीं लिखा अपनी अवाम को आप सोबार बेवकूफ हैं हमारा क्या ख्याल है लेकिन हमारी अवाम बेवकूफ नहीं होती हमारी अवाम बेवकूफ नहीं होती अवाम होती है इलम से बेबहरा होना ये बेवकूफ होने को मुस्तलजम नहीं है ये बेवकूफ आदमी इसको नहीं कहा जाता इसके आदमी के पास इलम नहीं है तो क्या वो बेवकूफ है लेकिन कहा कि ये बेवकूफों का ख्याल रखा है इस हिसाब से मैं कहूंगा कि आप बात को फिर पढ़ लें या कोई बेवकूफों का नजर नहीं कम से कम अपनी पेश की हुई बात ही देख ले तमाम बेवकूफों का ये बेवकूफ होते कौन है अहमद रजा खान ने अपने मुरीदों को कहा था ए मेरी ढोली भेड़ो अपने मानने वालों को क्या कहा था ए मेरी ढोली भेड़ो और उसके फिर बारे में जरिए मैं हालात बोल दे ये भी आपके सामने बता दूँ भेड़ किसको बोलते हैं दुबे को बोलते हैं हमारी पंजाबी में तो उसको भेड़ बोलते हैं और वो बड़ी बेवकूफ होती नहीं समझ गया उनकी एक आदत होती है कि जो भेड़ है आग को लेने चलती है और सब पीछे लेके चलती है आगे वाले के गांव पिछले गांव लेके चलेगी आगे वाली जैसे कि आप किसी खड्डे में भी पीछे से लाइन से बना पुरुष आंख में भाग नहीं देखती कि आगे वाले कितने में बच्चा इनकी भी यही फोटो काफी फोटो काफी फोटो इनको पता नहीं कि बात असल है क्या सब एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं गिरते जा रहे सब और मैंने इसको मैं बेवकूफ नहीं कह रहा हूँ इनकी इसके बारे में जरिए मेरे पास रखी है अगर किसी को शौक हो इन्हीं की किताब में लिखा है कोई और माना निकालना नहीं ऐसे बरेलियों को हम ये बात पेश करेंगे इधर किसी नसीब और रियाज ये बरेलियों अगर ये अलामा खफाजी की है शरा शिफा शरीफ की शरा है उसकी शरा है नसीब और रियाज अगर अलामा खफाजी रहमतुल्लाही अगर खातमुन नबी का सिर्फ यही माना कि आखिरी नबी है अगर इस्लाम में सिर्फ किसी की इजाजत है दूसरा माना लेना गुस्ताखी है तो फिर अलामा खफाजी भी काफिर हो जाएंगे ना ये देखिए ये बात बोल रहे वो कहते हैं वखातम वखातिम बिकसरता वफतिहा आखिरहुम उमन उमन भी कमालहुम फरमाते हैं कि ये खातम है और एक लफ्ज खातिम है सफा नंबर इसका है 217 एक लफ्ज है खातम एक लफ्ज है खातिम खातमुन नबी खातिमुन नबी फरमाते हैं कि इनका मानना ये होता है कि आप पर अल्लाह ने तमाम कमालात को मुकम्मल कर दिया अगर खातमुन नबीयीन का आखिरी माना लेने के अलावा कोई और माना लेना गुस्ताखी है तो फिर ये लेने अल्लामा खफाजी रहमतुल्लाह अलैह एक और माना मुराद दे रहे हैं कुफर का फतवा लेकिन कभी नहीं लगाएंगे इसी तरीके से ये मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की मस्तरी है मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की ठीक है इन्होंने तो बहुत सारे माने से किए तकरीबन 6 के करीब माने किए कहते बारे ही खातम की रास्त उनके वजूद निस्ते उन्हें हुआ वली वाहनपुर चूंकि दर्शन आप बरफ उस्ताद नस ने कुदोई खत में सनात बरफ वस्त दर कुशादे खत में हाथ उठान भी दर जमाल नूह में पक्षा हाथ भी इन्होंने कहीं पर 6 माने किए तर्जमा भी किया हुआ है इन्हीं के मुकदे का शाया शुदा ये कहते हैं कि जी हाँ आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बाएं कुदून हैं
हुजूर को खातम नबी महज इसलिए नहीं कहा गया कि आपके बाद कोई नबी ना आएगा, बल्कि इसलिए भी कहा गया कि फैज़ रसानी में ना आप जैसा कोई और है ना हो और ना होगा, यानी जिस तरह आप खातमे ज़मानी हैं इसी तरह आप कमालात के भी खातमे। चूंकि जब कोई उस्ताद किसी दस्तकारी में एक कमाल पैदा कर लेता है तो कहा जाता है ये दस्तकारी इस पर खत्म है, क्योंकि पैगंबर पर नबूवत के तमाम कमालात खत्म थे, इसीलिए भी आपको खातम नबी कहा गया। अगर कोई और माना लेना गुस्ताखी होता तो फिर ये भी गुस्ताखी, इसको भी गुस्ताखी करार दिया जाए, और मस्तनी मौलाना खुद को और अल्लामा मुराजी को भी गुस्ताख कहा गया है, क्योंकि इन्होंने और माना भी इसका मुराद दे दिया है। जब और माना मुराद अगर गुस्ताखी नहीं है तो फिर हमारे अकाबे भी गुस्ताख नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में इन्होंने किताबें चूंकि पढ़ी नहीं लिहाजा इनको पता नहीं है। ये मेरे पास किताब है कौमी असम्बली में कादियानी मसला पर बहस की मुसद्दक, इसको मुकदमा बहावर हूँ कहते हैं। ये आज से तकरीबन 20 से ज्यादा साल पहले ये जो है भावलपुर के अंदर कादियानी की किला जो उलमाए अहले सुन्नत ने और मिलकर मुकदम किया था कि ये अपने लोगों के मुमकिन है, उस मुकदमे की पूरी वजह की 5 जिल्दों में आलमी मजलिस हाफिज फरमाए महमूद ने पार्लियामेंट से लेकर शायद तकदीरी पार्लियामेंट से लेकर शायद किए। इसके अंदर ये तकरीजात जो है बरेली बुजुर्गों की भी है, ये बरेली बुजुर्गों के नाम है सैयद फैजुल हसन, सैयद अहमद सैयद कादमी, सैयद महमूद अंग्रेजी, ये इनके बड़े बड़े अकाबरीन की इस पर तकरीर पूछ रहे हैं। अब बरेली इसको तस्लीम करना पड़ेगा इस देश की किताब, और अब आप देखेंगे इसके अंदर उन्होंने खातम नबी का कोई और माना भी किया या नहीं किया। कहते इस सिलसिले में फिर मुताले वहां का जो जज था, जज मोहम्मद अकबर खान गोस्वामी का जज था, उस जज ने जो फैसला सुनाया उस फैसले से पहले उसने ये कहा कि इस सिलसिले में फिर मुताले की तरफ से ये कहा गया कि ये भी बात है कि कुरान मजीद में अल्फाज खातम नबीयीन है, आखिर नबीयीन नहीं, आखिर कुछ तो भेद है, अल्लाह ताला ने आपके लिए आप आखिर नबीयीन नहीं कहा बल्कि खातम नबीयीन कहा। कहता है इसमें तो अव्वल तो कोई भेद नहीं पाया जाता क्योंकि आखिर नबीयीन का लफ्ज खातम नबीयीन के मुकाबले में ज्यादा फसीह मालूम नहीं होता, और कुरान मजीद में कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ जो गैर फसीह हो। दूसरा अल्लाह ताला को चूंकि हुजूर इस्लाम की दोनों फसीहें यानी आपका आखिर होना मुद्दत जज़ेर इत्तिबा
कि मौलाना नकवी अकीदा का मेरे बोलते मुनकिर थे, मैं इस बात को दुरुस्त नहीं समझता। इससे पता चला कि वो भी इसको नहीं समझते थे कि हक में लोग के हक वाली मुनकिर है। कहते हैं मौलाना नकवी अकीदा का मेरे बोलते मुनकिर थे, क्योंकि ये इतिबासा बतौर इबारत नस और इशारत नस इस अमर पर बिला शुबह दलालत करते हैं कि मौलाना नकवी का मेरे बोलते समाजी को जरूरिया के दीन से यकीन करते थे और इसके दलाल को कभी और मुताबिक समझते थे। उन्होंने इस बात को साफ से जिक्र किया है कि जो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर तरह से जमानी का मुनकर है वो काफिर है और दार इस्लाम से खारिज है। आप यह खुद देख के देख सकते हैं कि इस किताब के अंदर सफा नंबर 58 के ऊपर उन्होंने खुद फैसला कर दिया इनके जज ने कि वो ना मालूम की खत्म नबूत की मुनकर और पीर साहब अपने जज के भी फैसले को ले चैलेंज कर दिया। या तो ये जज चेली के लिए आता है या पीर साहब चेली के लिए आता है, एक ये जज नकली था या फिर पीर नकली है, कोई ना गड़बड़ है। लेकिन ये नहीं भी मसला वो आप बैठ कर खुद फैसला कर लेना कि कौन नकली है और कौन सही। ये दूसरी किताब हमारे पास है जमाल करम, इन्हीं पीर साहब जो जज थे बरेली मसलक के, इन्हीं की जमाल करम मेरे पास है। इसकी जिल्द अव्वल है, इस जिल्द अव्वल के अंदर अगर बरेली मौलाना नकवी को अगर मैं बोलता हूँ उनके समझ के ऊपर काफिर कहते हैं, अजीब सी बात। पीर साहब ने बयान में क्या कहा, दरवाजा खोलना चाहते थे और इस दरवाजे में पहले काटे गए वो बेचारे पीछे रह गए, वरना वो खुद सब नबूवत का दावा करने वाले थे लेकिन काटे ने जल्दी जल्दी कर दिए रह गए। पीर साहब मैं पीर साहब से गुजारिश करूंगा कि पीर साहब अगर आपकी बात ठीक थी, अगर आपकी बात दुरुस्त थी, तो फिर अपने इस जज साहब से जाकर पूछें जो ये कहता है कि नहीं मौलाना नकवी काफिर है, नहीं मौलाना नकवी काफिर नहीं, ये मैंने कौमी असेंबली की जो मुसद्दिका रिपोर्ट पेश की, इसके अंदर कादियानी ने जब ये बात पेश की तो उस वक्त के जज ने भी यही फैसला दिया कि ये गुस्ताखी नहीं है और बरेली की इस बात पर तस्दीक मौजूद है। और पीर करम शाह भी यही कह रहे हैं कि सफा नंबर 696 के ऊपर कहते हैं तहजीब नास की इबादत के बारे में हजरत सियाव मोहम्मद अहमदुल्लाह ने एक तरफ की इमरान अली शाह गोलवी और पीर जमात अली शाह मुहदिस अली भुट्टी के मौकों का हवाला किया है और ये दोनों मौलाना नकवी को काफिर नहीं कहते थे। पता चला पीर करम शाह भी नहीं कहते, पीर गोलवी साहब भी नहीं कहते, पीर सियावी साहब भी नहीं कहते, वो सारे पीर नहीं कहते। अब एक तीसरा छोटा पीर कहता है मैं कहता हूँ, तो मैं समझता हूँ तीन पीरों की बात मान ली जाए, क्या तीन पीरों की बात मान ली है वो पीर भी नहीं के मतलब के, वो कहते हम काफिर नहीं कहते और ये साहब कह रहे किसी को इन्होंने नबूवत का दरवाजा अपने लिए खोला था लेकिन काफिर नहीं कहते। मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि इन किताबों में लिखा हुआ है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी होता तो अहमद रजा होता, अगर नबी के बाद कोई नबी होता तो अहमद रजा होता। अब ये देखकर आपको समझ जाना कि दरवाजा बंद हो गया और कुछ बंद आया। और मैं अभी आपके सामने मुफ्ती मुजाहिद साहब ने भी हवाला पेश किया कि मकसद सब ने लिखा हुआ है, साहबजादा अबू खैर मोहम्मद सुदेव ने लिखा है जो बरेलियों का मामला आलम है, जबी तो मैं पाकिस्तान का अमीर सदर है, वो तरीक है कि हमारे पास बरेली आला हजरत को हुजूर से भर कर समझते हैं, उनके तो कादियानी रजा और कादियानी को नदी के बराबर समझते हैं, वो कहते हैं हमारे बरेली को आला हजरत को नदी से भर कर समझते हैं। लगा दो ना फतवा, अब क्या हुआ और विशाल उसके अंदर बताया आला हजरत के अंदर तो एक त्रेडी के एक अहमद रजा के मुरीद ने कमाल की तालीम होगी, उसने कहा ये दुआ है, ये दुआ है, ये दुआ तेरा और सबका खुदा है अहमद रजा, तेरा और सबका खुदा। ये प्रेम की बातें हैं, मैं अभी ये पेश नहीं कर रहा, ये तो मैंने वैसे ही एक बात आपके सामने पेश कर दी कि ये एक नमूना है, इंशाल्लाह हम ऐसी बिठाओगे बातें पेश करने को तैयार है, जो ये बातें हम आपके सामने पेश करेंगे आप दिल पर हाथ रख के फैसला दे देना कैसे आदमी को मुसलमान कहा जा सकते, खुद फैसला दे। तो ये अहमद रजा का वालिद है, इसके फैसले को मान लो नकी ईमान की, इसके वालिद की समान है। आपने बरेली आलम लिखता है कि सबसे अहम बात यह है कि इस तनाजे में तमाम उलमा ने जो असीयत के असर में बात की कायल न थे मौलाना नकवी की तकदीर की, मगर मौलाना नकवी अली खान ने इंतहाई एहतियात से काम लिया और मौलाना नकवी की तकदीर नहीं की, मौलाना नकवी की तकदीर आप पता चला कि अहमद रजा कहता है कि जो काफिर को काफिर ना कहे वो काफिर है, उसका बाप कहता है मैं इसको काफिर नहीं कहता। पहला फतवा अहमद रजा का तो उसके अबू की कब्र पर जाए, भाई पहले तो उसके घर में फतवा लगना चाहिए ना, अगर तेरी बात सच्ची है तो सबसे पहले इस जहर आलू पीर कहने वाले के सीने में
आदमी लगेगा, उसके बाद किसी और की जगह इसका रोक करना। जब तुमने अपने घर की खबर नहीं ली, अपने आप गैरमान को खबर नहीं देखा, दूसरों का कादरी की ऊपर की खबर लगा है, ये होती है जादू। वो जो सर चढ़ कर बोले और बस दुनिया के इधर भी आता, ये वो गवाही है जो दुश्मन दे रहा, दुश्मन ने दुश्मन का दे रहा। उसका आपा कहते हैं मैं नवमी को काफर नहीं कहता, तो आप फतवा को इसी पर दे देते हो ना कि जब काफर नहीं कहता तो बात खत्म हो गई। एक और हवाला इंसान ने पेश किया मेरे सामने, वो हवाला मैं आपके सामने यहाँ पेश करता हूँ। कहते हैं कि देवबंदी पैगंबर के बारे में कहते हैं कि पैगंबर की तासीर बड़े भाई की तरह करनी चाहिए, पैगंबर की तासीर बड़े भाई की तरह करनी चाहिए। मैंने एक बिल्ली को कहा ये इस किताब में कहते हैं तक मान मेरे तक निर्माण ताकत के साथ किस समय पर लिखा, किसी समय पर ही तकलीफ ईमान मेरे पास, इसके किसी समय के लिए दिखा दो कि हमारे बुजुर्ग ने लिखा हो कि मेरी तकलीफ बड़े